एक तरफ स्वास्थ्य विभाग लगातार सुधार के प्रयास कर रहा है, लेकिन कोई भी सुधार होता नहीं दिख रहा है। गोरखपुर हादसे के बाद भी अस्पताल प्रशासन कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। मामला फतेहपुर जिले का है, जहां जिला अस्पताल में खून न मिलने से एक मरीज की मौत हो गई। वहीं सीएमएस ने सभी आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि मरीज को बचाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन उसके शरीर में पहले से ही खून की कमी थी। मिथ्या और पूर्णतः गलत है। हमारे डॉक्टरों ने अक्सर प्रयास किया कि उसको जो भी किया जा सकता है किया। उसको ब्लड भी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यहाँ से दिया गया। उसके बाद भी उसकी जनरल कंडीशन बहुत ही ख़राब थी और जो हीमोग्लोबिन 3.5 ग्राम था और कई अरसे से बीमार था, खाना भी कई दिनों से नहीं खाया, इस वजह से उसकी मौत हुई है। फिर भी उनके परिजनों का संज्ञान लेते हुए हमने बॉडी प्रिजर्व करके रखवा दी है, पोस्टमार्टम होगा। वहीं इस मामले पर प्रशासन का कहना है कि सभी आरोपों की जांच की जा रही है। हरदो का एक मरीज सदर अस्पताल में एडमिट था, जिसकी मृत्यु हो गई है, जिसके परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। उसके लिए वरिष्ठ चिकित्सकों से संपर्क किया जा रहा है, उनकी रिपोर्ट आने के बाद कर। अब पूरे मामले की सच्चाई क्या है, ये तो जांच के बाद ही पता लगेगा, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के दावे तो हवाई ही साबित हो रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए फतेहपुर से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।